हेलो दोस्तों, तरंगो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल का ऊपर आज का वीडियो है कि जो मार्केट सैन्यू पीसीबी होता है और इस पर जो आईसी यूज किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिख देता हूँ। और दोस्तों, ए टी वी का सर्विस मोड ओपन करने के लिए जो रिमोट होता है कि जो रिमोट ए टी वी पर काम करेगा तो ये रेमेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास एक रिमोट है कि दोस्तों देखिए, इस रिमोट पर जो लिखा दिखाया जाता है, एक बार देख लीजिए, ऑलमोस्ट वर्क ऑन 200। ठीक है, चाइना की 5 MP3। ठीक है दोस्तों, और इसी टाइप एक रिमोट देखा जाता है कि जो 200 in 1 वाला रिमोट होता है। और दोस्तों, इस टाइप रिमोट भी यूज़ कर सकते हो जो बेस्ट ऑफिसन का है। दोस्तों देखिए, ये रिमोट आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, इस टाइप बहुत रिमोट मार्केट पर मिलता है, वो ETF पर काम करेगा। दोस्तों देखिए, ये जो रिमोट होता है 57 ELO, ये जो नंबर होता है, ये रिमोट भी इस पर काम करेगा। तो दोस्तों, कोई भी एक रिमोट लेके पहले इसको सर्विस मोड ओपन करके देखाऊंगा, और उसका बाद इस पर जो ऑप्शन आता है उसके ऊपर मैं बहुत कुछ वीडियो है तो अभी और एक भी ये वीडियो में नया सिस्टम एक देखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, और एक बात भी ध्यान रखना, तो पहले ये जो रिमोट का जो मेनू बॉटम होता है, देखिए ये जो मेनू चार्ट, ये जो डिजाइन होता है, एक बार देख लीजिए, ये जो मेनू चार्ट होता है, सिर्फ देखिए पिक्चर, उसके बाद टाइमर, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद साउंड, ये ऑप्शन, सिर्फ ये ऑप्शन भी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, फिर भी दोबारा दावा के दिखा देता हूँ। और दोस्तों, इस पर ये जो मेनू चार्ट होता है, इस पर मेनू आइकॉन भी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह लोगो जो टीवी पर शो होता है, वो टीवी पर ही आज के सर्विस मोड काम करेगा और ये रिमोट भी काम करेगा। और दोस्तों, ये मेनू चार्ट अलग अलग भी कुछ कुछ टीवी पर देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, वो किस टाइप होता है तो उसके ऊपर आज का वीडियो है। और दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट में और भी दो एक ऑप्शन भी देखा देगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये जो मेनू चार्ट इस तरह होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो मेनू चार्ट, देखिए ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर, शार्प नॉइस फिगर होता है, पिक्चर भी इस तरह देखा जाता है। तो ये मेनू चार्ट मैं चेंज करके देखाऊंगा जो सर्विस मोड था वो ओपन करके। ठीक है दोस्तों। तो ये सर्विस मोड ओपन करने के लिए पहले पैनल का जो माइनस बॉटम होता है, पहले माइनस बॉटम दबा के रखना। ठीक है, उसके बाद ये रिमोट का जो डिस्प्ले बॉटम होता है, एक बार दबा के छोड़ दीजिए, तो सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, सर्विस मोड ओपन करने के लिए और एक भी तरीका होता है कि दोस्तों देखिए, ये रिमोट पर एक छेद देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पर आप दबाने के बाद सर्विस मोड ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए, तो सर्विस मोड ये जो फैक्ट्री लिखा देखा जाता है, मैं सर्विस ओपन किया है। उसके बाद दोस्तों, डिस्प्ले जो बॉटम होता है, देखिए ये डिस्प्ले बॉटम होता है, एक बार दबा दीजिए, तो ये एक चार्ट ओपन हो गया है। उसके बाद 1 2 3 ये अलग अलग बॉटम दबाने के बाद ये अलग अलग पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, 2 दबाने के बाद ये भी एक पेज ओपन हो जाता है, और 3 भी दबाने के बाद दोस्तों देखिए, ये भी चार्ट ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो चार्ट होता है, ये जो 3 पेज जो होता है, 3 नंबर जो पेज होता है, इस पर लिखा है कि देखिए, मेनू बैक मेनू आइकन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जो मेनू बैक होता है, पहले ये 0 देखा जाता है, और ये जो मेनू आइकन, ये 0 भी देखा जाता है। तो मैं मेनू आइकन को पहले ऐड करता हूँ। ये चैनल माइनस बॉटम एक बार दबाने के बाद ये मेनू आइकन मैं सिलेक्ट किया है। उसके बाद ये वॉल्यूम जो प्लस होता है, ये एक बार दबाने के बाद दोस्तों ये ऑन कर दिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं सर्विस मोड हटा देता हूँ दोस्तों, इसलिए डिस्प्ले जो बॉटम होता है, ये मैं दबा दिया है, सर्विस मोड हट गया है। तो दोस्तों, फिर भी देख लीजिए, जो मेनू बॉटम होता है, देखिए ये जो मेनू चार्ट होता है, इस पर ये लोगो ऐड हो गया है दोस्तों। देखिए, फिर भी देखिए, ये जो लोगो दोस्तों, देखिए लोगो ऐड हो गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो लोगो ऐड मैं कर दिया है। और फिर दोस्तों, ये जो मेनू चार्ट, ठीक से एक बार देख लीजिए, ये चार्ट भी चेंज कर सकते हो, और भी और एक चार्ट आ जाएगा। मैं सर्विस मोड ओपन करके वो चेंज करके देखा देता हूँ दोस्तों। सेम वॉल्यूम माइनस पुश कर, पैनल का जो वॉल्यूम माइनस होता है, ये दबा के रखना। उसके बाद जो डिस्प्ले बॉटम होता है रिमोट का, वो दबा दीजिए।
तो सर्विस मोड ओपन हो गया है। उसके बाद फिर भी एक बार डिस्प्ले बॉटम जो दबाना पड़ेगा। उसके बाद जो थ्री जो बॉटम होता है वो भी एक बार दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये मैं मेनू जो आइकन ये ऑन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए जो मेनू बैक होता है वो मैं 0 दिखा जाता है कि वो वॉल्यूम प्लस पुश करके ऑन कर देता हूँ दोस्तों देखिए। उसके बाद डिस्प्ले बॉटम पुश करके मैं सर्विस मोड आउट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों देखिए जो मेनू बॉटम होता है, फिर भी देखिए ये जो मेनू चार्ट देखिए एक सुंदर डिजाइन वाला मेनू चार्ट ओपन हो गया है। तो दोस्तों ये जो इस पे ये चाइना जो चैसिस होता है इस पर जो प्रोसेसर आईसी यूज़ किया जाता है इसके ऊपर ये डिजाइन देखा जाता है। तो जो जो टीवी पर इस तरह मेनू चार्ट ओपन हो जाता है तो उसके ऊपर ये जो कोड होता है, ये जो सर्विस मोड होता है, ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये तो मेनू चार्ट तीनों टाइप पर चेंज करके देखा दिया है। और दोस्तों और एक भी ट्रिक सर्विस मोड ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये रिमोट पर दोस्तों देखिए टीवी भी एक बॉटम है। एक बार देखिए क्लियर करके देखा तो टीवी भी जो बॉटम होता है देखिए मैं एक बार पुश करके देखा था, ये भी ऑटो लेखा देखा जाता है। दोबारा मैं पुश करके देखा था ये भी ऑटो भी देखा देखा जाता है। दोस्तों जितना बार मैं पुश किया है ये भी लिखा देखा जाता है। इस पर जो ऑटो ऑप्शन होता है नॉर्मल ऑटो जो आरएफ सिग्नल से और केबल लाइन से जो शार्ट ऑप्शन था इस पर नहीं है, तो ऑप्शन नहीं देखा जाता है दोस्तों देखिए। और दोस्तों मेनू चार्ट फिर भी ओपन करके देखा तो दोस्तों देखिए जो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर है, क्लॉक है, लैंग्वेज है, टाइमर, एनालॉग, कैलेंडर, कार्टून, सेटा, वॉल्यूम, इस पर दोस्तों देखिए जो ट्यूनिंग ऑप्शन होता है इस पर नहीं है। तो दोस्तों एक्चुअली जो इंडिया होता है इंडिया में एवी का ऊपर ही टीवी चलता है, इसलिए ये मैं सेट करके रखा है। कभी कभी कंट्री पर दोस्तों जो ऑटो ऑप्शन जो ऑटो ट्यूनिंग व ऑटो सर्चिंग ऑप्शन होता है वो काम करेगा। तो दोस्तों ये पर भी है तो दोस्तों वो सर्विस मोड पर सेट करके रखा है। तो मैं ये टीवी पर वो ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों और एक भी बात होता है कि दोस्तों देखिए टीवी भी जो बॉटम से भी इस पर आप एफएम भी ऐड कर सकते हो, आप टीवी पर ही एफएम सुन सकते हो। तो वो मैं ओपन करके देखा था। तो दोस्तों देखिए तो सर्विस मोड मैं वॉल्यूम और डिस्प्ले दबाने के बाद ओपन करके दिखाया है। और दोस्तों ये जो छेद दिखा जाता है ये इस पर मैं क्लिक करके देखा था कि इसी तरह सर्विस मोड आप ओपन कर सकते हो। ये जो छोटा वाला छेद देखा जाता है इस पर आप क्लिक करिए तो सर्विस मोड इस तरह ओपन हो जाता है। और दोबारा आप क्लिक करेगा तो एक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पेज 1, पेज 2 और पेज 3 और पेज 4, दोस्तों ये 4 जो 4 नंबर बॉटम होता है ये दबाने का बाद दोस्तों देखिए जो ऑप्शन देखा जाता है ये टीवी एवी और दोस्तों इस पर देखिए एफएम का जो ऑप्शन होता है ये आप सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले जो टीवी ऑप्शन होता है वो मैं ऑन कर देता हूँ। दोस्तों देखिए ये 0 था, मैं ऑन कर देता हूँ। और AV2 जो ऑप्शन होता है दोस्तों देखिए एक्चुअली AV2 का मतलब होता है जो AV1 और 2 ऑप्शन होता है दोनों भी ऑन हो जाएगा, मैं ये ऑन कर देता हूँ। और दोस्तों इस पर जो FM ऑप्शन होता है मैं वो सिलेक्ट करके ये 0 जो देखा जाता है ये ऑन कर देता हूँ। दोस्तों देखिए मैं ऑन कर दिया है। तो दोस्तों ये इसके बाद ये जो छेद देखा जाता है वो दबाने के बाद ये सर्विस मोड हट जाएगा और डिस्प्ले भी बटन दबाने के बाद भी सर्विस मोड हट जाएगा। मैं दोस्तों देखिए ये दबाने के बाद सर्विस मोड आउट कर दिया है। और दोस्तों उसके बाद देखिए जो टीवी भी बॉटम होता है देखिए AV2 देखिए दोस्तों FM भी आ गया। ठीक है दोस्तों। और ये सर्चिंग करने के बाद और केबल लाइन जो RF सिग्नल देने के बाद भी FM शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो ऑटो जो BG ऑप्शन होता है ये भी आ गया। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों देखिए AV1 AV2 और दोस्तों FM और ऑटो BG आ गया। उसके बाद दोस्तों मेनू चार्ट एक बार देख लीजिए, ये जो मेनू चार्ट इस पर ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर क्लॉक देखिए दोस्तों ये सर्चिंग जो ऑप्शन जो आउट था ये आ गया है। और दोस्तों इस पर आप ऑटो सर्च कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, और ये चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों ये जो आई ओ लिखा होता है कैसे आप चेंज कर सकते हो, तो इसका जो वीडियो होता है पहले से ही मैं ये बना के रखा है, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उस पर लिंक दे देगा, वो आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।